अंधेरों को चांदनी बताकर बेच रही एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाली सरकार की दो लाइनों में दुष्यंत जी, मेरे साथी की लाइनों में नहीं, दुष्यंत जी की लाइनों में एक परिभाषा। ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, कैन यू रियली एग्जामिन वेरी सीरियसली, बिकॉज इमरान प्रतापगढ़ी इज गिविंग शेर एंड शारी फ्रीली टू एवरीवन, कैन वी टेक्स इट? सर, दिस विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड। सारे देश के अगर पोएट्स के पीछे अब ईडी और टैक्स लग जाएगा तो थोड़ा मुश्किल। शुक्रिया सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया। आदरणीय सभापति महोदय, अंधेरों को चांदनी बताकर बेच रही एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाली सरकार की दो लाइनों में दुष्यंत जी, मेरे साथी की लाइनों में नहीं, दुष्यंत जी की लाइनों में एक परिभाषा। मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूँ, मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूँ, मैं इन नज़ारों का अंधा तमाशबीन नहीं हूँ। एक सेकंड, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, कैन यू रियली एग्जामिन वेरी सीरियसली, बिकॉज इमरान प्रतापगढ़ी इज गिविंग शेर एंड शारी फ्रीली टू एवरीवन, कैन वी टैक्स इट? दिस इज द सिक्स्थ ओकेजन ड्यूरिंग द डे। So if the house agrees and if the spirit of the house is that, why not some more revenue? Come on, continue. Sir, this will not go on record. सारे देश के अगर पोएट्स के पीछे अब ईडी और टैक्स लग जाएगा तो थोड़ा मुश्किल। यू हैव डाइवर्टेड, कंटिन्यू। कमिंग बैक सर, कंटिन्यू। सर, एप्रोप्रिएशन बिल हो या बजट, अगर आप इन्हें ध्यान से देखें तो ये मेहनत कशों के लिए नहीं, पेट और पीठ एक करके इस देश के अन्नदाता और खेत मजदूर उनके लिए नहीं। और ऐसा लगता है कि यहाँ ईमानदारी की रोटी कमाने और देश संवारने वाले लोगों के लिए भी कुछ नहीं। कई बार जब इसे ध्यान से देखें आदरणीय सभापति महोदय, तो ऐसा लगता है कि सरकार ने महात्मा गांधी के भारत से मुंह मोड़ लिया है। मैं अपने रिमार्क्स कोशिश करूंगा कि खेती किसान, खेत मजदूर, गरीब, जो आपका भी विषय है, आपका फेवरेट विषय है क्योंकि आप भी उसी वर्ग से आते हैं, वहाँ तक सीमित रखूँ। आदरणीय सभापति महोदय, तथ्य कभी झूठ नहीं बोलते और सत्य को आवरण की आवश्यकता नहीं होती। मैं याद दिलाना चाहूँगा, प्रधानमंत्री जी ने 2016 में बरेली की रैली में इस देश से ये वादा किया कि 2022 तक किसान की आमदनी दोगुनी करेंगे। आमदनी तो दोगुनी हुई नहीं, दर्द 100 गुना ज़रूर हो गया। 15 अप्रैल, आदरणीय सभापति महोदय, 15 अप्रैल 2014 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हजारीबाग, झारखंड, भागलपुर, बिहार में जनसभाओं में फिर कहा कि किसान को भविष्य में लागत पर 50% मुनाफा देंगे। और उसकी परिभाषा भी उन्होंने परिभाषित की। उन्होंने कहा किसान की बीज की कीमत, डीजल की कीमत, बिजली की कीमत, मेहनत की कीमत, जमीन का किराया और उस पर 50% मुनाफा देंगे। पर हुआ क्या, इसी सरकार ने 21 फरवरी 2015 को सुप्रीम कोर्ट में एक शपथ पत्र दिया, मैं उसकी प्रतिलिपि यहां रख दूंगा, लेकर आया हूं आप चाहेंगे तो। और वहां उन्होंने कहा कि एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य कॉस्ट प्लस 50% प्रॉफिट पर निर्धारित नहीं हो सकता, क्योंकि इससे मार्केट डिस्टॉर्ट हो जाएगी। द टू वर्ड्स आई कोट, इससे मार्केट डिस्टॉर्ट हो जाएगी। तो लागत पर 50% मुनाफा देने का किसान को वादा भी 15-15 लाख की तरह जुमला निकल गया। आदरणीय सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी का और सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं, जब अन्नदाता आत्महत्या को मजबूर हो जाए तो सत्ता का सिंहासन डोलता क्यों नहीं? जब एनसीआरबी की रिपोर्ट, नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट, यह बताती हो कि पिछले 9 साल में
2014 से 2021 तक इस देश में 1,00,474 किसान और खेत मजदूर आत्महत्या को मजबूर हो गए। मैं एनसीआरबी की रिपोर्ट भी लाया हूं सर, ऑथेंटिकेट कर दूंगा। तो सरकार अपने मन के दरवाजे खोल किसान की पीड़ा की बात क्यों नहीं सुनती? और सर, जो 2022 की एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है, जो 14 दिसंबर 2023 को रिलीज हुई थी, उसमें तो लिखा कि 11,290 किसान और खेत मजदूरों ने 2022 में आत्महत्या की, यानी हर एक घंटे में, यानी हर एक घंटे में एक किसान और खेत मजदूर हमारे देश में आत्महत्या को मजबूर है। तो ऐसे में सरकार का उस तरफ संज्ञान और ध्यान क्यों नहीं? जब आपकी एनएसएसओ की रिपोर्ट बताती हो, उसकी भी मैं रिपोर्ट लाया हूं सर, मैं कहेंगे तो ऑथेंटिकेट करूंगा, कि देश के किसान की प्रतिदिन आय मात्र 27 रुपया है और देश के हर किसान पर 27,000 रुपया का कर्ज है, तो देश की सरकार ये कैसे कह सकती है इस सदन में और इसके बाहर कि सरकार के पास किसान की कर्जा मुक्ति का पैसा नहीं? और वो भी तब जब सरकार बैंक डिफॉल्टरों का 19,34,000 करोड़ रुपया बट्टे खाते में डालती हो और 3,11,000 करोड़ रुपया इदातन, जो इरादतन गबन करता है, उन वो डुबो देते हो। इसको भी ऑथेंटिकेट करें सर? बिल्कुल करूंगा मैं, इसीलिए मैं सर आज लेकर आऊं। मुझे मालूम है कि आदरणीय सभापति महोदय इतने विद्वान हैं कि नहीं तो मुझे कुछ कहने नहीं देंगे। यू हैव इनवोक्ड माय इंटेलिजेंस। यस एंड आई एम नो सर, आई डोंट हैव टू इनवोक ऑन द टेबल ऑफ द हाउस। सर, हम सब आपकी इंटेलिजेंस के कायल हैं, इनवोकेशन की जरूरत नहीं। आदरणीय सभापति महोदय, सरकार हर बजट में ये जवाब दे देती है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, आदरणीय वित्त मंत्री जी ने भी कहा, मैं उन दोनों का बहुत सम्मान करता हूं, कि हम किसान सम्मान निधि दे रहे हैं जो काफी है। आज अगर आप उसकी सच्चाई उनके द्वारा दिए तथ्यों पर जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे, और चार तथ्य मैं इस आपके समक्ष रखूंगा सर। एग्रीकल्चर सेंसस 2015, उसके बाद तो आया नहीं, जिसकी रिपोर्ट 2018 में आई, उसके मुताबिक देश में 14,64,00,000 किसान हैं। पीएम किसान सम्मान में आदरणीय वित्त मंत्री जी ने और सरकार की तरफ से और लोगों ने कहा कि 11 करोड़ किसान शामिल किए गए, तो यानी पहले दिन ही 14 करोड़ 64 लाख में से 11 करोड़ शामिल हुए, तो 3 करोड़ 64 लाख किसान कहां गए? वो उड़ा दिए गए, चलिए कोई बात नहीं। साल 2023-24 में आखिरी बार पीएम किसान सम्मान की 15वीं किश्त 14 नवंबर 2023 को चुनाव से 24 घंटे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दी गई, और वो भी सर मैं कागज लाया हूं, वो पीआईबी का प्रेस रिलीज है, और उसमें कहा गया कि 8 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपया मिलेगा। तो आपने कहा 11 करोड़ से अधिक, अब ये हो गए 8 करोड़, तो 3,80,00,000 किसान कहां गायब हो गए? एग्रीकल्चर सेंसस से 3,64,00,000 किसान गायब हो गए, आपने जो आखिरी किश्त दी उससे 3,60,00,000 किसान और गायब हो गए, तो इसका मतलब 7,40,00,000 या लगभग 7.5 करोड़ किसान सम्मान निधि की परिधि से ही बाहर हो गए। अब एक और इंटरेस्टिंग तथ्य सर, आपने जो बजट पेश किया माननीय वित्त मंत्री जी और सरकार ने, उसमें आया ये संख्या, लगता है मुझे ये संशय है, और ये संशय आप जब जवाब देंगे तो जरूर दूर करेंगे देश का, कि ये संख्या अब और कम करनी है, 7.5 करोड़ तो उड़ा दिए, अब और कम करने। इसीलिए पीएम किसान निधि का पैसा साल 2020-21 में था 75,000 करोड़, अब पता नहीं क्यों 2024-25 में वो घटकर रह गया 60,000 करोड़। फिर मैंने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का बजट और ध्यान से देखा, उसमें आदरणीय वित्त मंत्री जी और अधिकारियों ने लिखा है सरकार ने कि ये 60,000 करोड़ अब 12.5 करोड़ किसानों को मिलेगा। सब आदरणीय सभापति जी, मेरा और आपका हिसाब थोड़ा कमजोर है, वो आदतन कई बार होता है,
मेरा तो नहीं है। नहीं है, आप अपने आप तो मेरा समय गिन ही रहे हैं सर। मैं यही सर कहलवाना चाहता था, तो इसलिए सर मेरे समय का ख्याल रखिएगा। मैं इट वॉज डायरेक्टेड देयर ओनली। सर 12.5 करोड़ किसान को अगर 60,000 करोड़ रुपया देंगे तो 6,000 रुपया कैसे हुआ, ये तो 4,800 रुपये बने। तो वित्त मंत्री जी ने या तो बजट में गलत लिख दिया गलती से, या फिर कहीं ना कहीं तथ्य गलत लिखे गए, या मंशा ये है कि अब 6,000 रुपया से किसान सम्मान निधि को कम करके 4,800 करना है और किसानों की संख्या भी कम करनी। और एक ऑप्शन और भी है जी, शायद आपका कैलकुलेशन सही नहीं हो सर। ऐसा है, आप ही ने कहा था, अनपढ़ जाट पढ़े लिखे जैसा, पढ़ा लिखा जाट खुदा जैसा, आई एम ओनली कोटिंग। तो मेरी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। आदरणीय सभापति महोदय, एक और बड़ी चौंकाने वाली बात है, और एक किसान के तौर पर, एक किसान के बेटे के तौर पर आपको और मुझे और इस देश के 72 करोड़ के करीब किसानों को जो लगेगी कि खेती का बजट ही काट दिया और जो दिया वो खेती पर खर्च नहीं किया। सभापति महोदय, साल 2020-21 में कृषि विभाग का कुल बजट कुल केंद्रीय बजट का 4.41% था। फैक्ट्स कैन बी चेक्ड। 2023-24 में कृषि का बजट कुल देश के बजट का 2.57% रह गया, लगभग आधा हो गया। और जो चौंकाने वाली बात है, पिछले 5 साल में मोदी सरकार ने कृषि विभाग के बजट के लगभग 1,00,000 करोड़ खर्च ही नहीं किए, वापस दे दिए। यह कैसी सरकार है? किसान आत्महत्या को मजबूर है, खेत मजदूर आत्महत्या को मजबूर है, हर 1 घंटे में 1 किसान सरकारी आंकड़ों के मुताबिक आत्महत्या को मजबूर है, और हम 1,00,000 करोड़ वापस लौटा देते हैं। और मैं साल दर साल का आंकड़ा भी लाया हूं जो आपके समक्ष रखना चाहूंगा आपकी अनुमति से। 2018-19 में 21,044 करोड़ खर्च नहीं किया, 19-20 में 34,518 करोड़ खर्च नहीं किया, 20-21 में 23,825 करोड़ खर्च नहीं किया, 21-22 में 429 करोड़ खर्च नहीं किया, और 22-23 में 19,762 करोड़ खर्च नहीं किया। इस देश का किसान कहां जाए, क्या करे, कैसे करे, ये एक प्रश्न है जो इस सदन के सामने अवश्य उठना चाहिए। आदरणीय सभापति महोदय, एक सवाल और उठता है, किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसे हम MSP कहते हैं, उसकी गारंटी का कानून क्यों नहीं? कोई सरकार इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है कि खेती विरोधी 3 काले कानूनों के खिलाफ लाखों किसान दिल्ली की ड्योढ़ी पर दस्तखत देते रहें, 700 किसान कुर्बान हो जाएं, खेत मजदूर कुर्बान हो जाएं, तड़प तड़प कर मर जाएं, और जब उनका आंदोलन खत्म हो तो आंदोलन इस वादे के साथ खत्म हो कि किसानों के लिए MSP की गारंटी का कानून लाएंगे, और उसके बाद उसे कहीं ना कहीं शायद रद्दी की टोकरी में छोड़ दिया जाए या वो भूल जाए। क्या हुक्मरानों के जबान की अब कोई कीमत नहीं रही? क्या दिल्ली की सरकार की जबान की कीमत नहीं? क्या उसे मानना नहीं चाहिए? क्या किसान के आंसू पोंछने की कोई मंशा नहीं रही? ये एक सवाल है जो मेरे जहन में उठता है, जो मैं बड़े विवेक से और संयम से आपके माध्यम से इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। सर, भाजपा सरकार में अब MSP मैक्सिमम सफरिंग फॉर प्रोड्यूसर बन गया है इंस्टेड ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, क्योंकि MSP के मायने ही नहीं बचे। क्या यह सच नहीं है कि सरकार MSP पर किसान की फसल खरीदती ही नहीं? और मैं आपको ये बात केवल मुंह जबानी नहीं कह रहा, मैं सरकार के मैं प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट का आंकड़ा लेकर आया हूं सर, जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने दिया है। 2022-23 में अगर आप फसल उपज और फसल खरीद का आंकड़ा देखें तो सभापति महोदय, आप और ये सदन चौंक जाएगा, और मैं 4 फसलों का आंकड़ा पढ़कर बताना चाहूंगा। सर, 2022-23 में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के मुताबिक गेहूं पैदा हुई 1,068 लाख टन, MSP पर फसल खरीद हुई 187,92,000 टन, यानी 17.59%। तो बाकी कहां गई?
बाकी सब गई बाजार भाव में बिकने के लिए। सर, तिलहन की जो फसलें, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के डेटा के मुताबिक सोयाबीन, सूरजमुखी, सरसों, मूंगफली, तिल, ये इस देश में पैदा हुई 376,96,000 टन पर सरकार द्वारा एमएसपी पर खरीदी गई, आप चौंक जाएंगे, केवल 48,000 टन, यानी 0.13%, 1% भी फसल किसान की एमएसपी पर सरकार द्वारा नहीं खरीदी गई। सर, दालों का आंकड़ा देखिए, 2022-23 में 276,90,000 टन दाल पैदा हुई किसान के द्वारा, पर खरीदी गई कितनी, 1,20,000 टन एमएसपी पर सरकार द्वारा, यानी 0.43%। कहां जाए, क्या बाजारी ताकतों के सामने झोंक देंगे देश के किसान को? ज्वार, बाजरा, रागी और मक्का, ये चार जो बड़ी फसलें, ये पैदा हुई 2022-23 में 491,70,000 टन पर आपके द्वारा खरीदी गई एमएसपी पर सरकार द्वारा 1,28,000 टन, यानी 0.26%। सर, कहां जाएगा किसान, कैसे जिएगा किसान अगर आप उसे बाजारी ताकतों के भरोसे छोड़ देंगे? और दूसरी तरफ आपने कहा कि अगर बाजारी ताकतों के भरोसे भी छोड़ देंगे, रेट गिर जाएगा तो हम मार्केट इंटरवेंशन प्राइस मैकेनिज्म लेकर आएंगे। उसको सर ये बोलते हैं मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, प्राइस सपोर्ट स्कीम, बड़े प्रचार से ये चलाई कि हाँ, सरकार सारी फसल नहीं खरीद सकती, मैं मानता हूं, पर सरकार क्या 0.43-0.17% फसल खरीदेगी मेरी? तो इसलिए इन्होंने कहा हम मार्केट इंटरवेंशन स्कीम लाए। अब उसके बारे में अगर आप देखें तो 2023-24 में 72 करोड़ किसानों के लिए रिवाइज्ड एस्टिमेट स्कीम में था, आपका संज्ञान में लाना चाहूंगा, केवल 40 करोड़। फिर मैंने इस साल का बजट देखा तो आप शॉक्ड रह जाएंगे, 2024-25 में अगर किसान की फसल की कीमत गिर जाए तो उसके लिए मार्केट इंटरवेंशन स्कीम में आपने पैसा रखा है 1,00,000 रुपया, 72 करोड़ किसानों की फसल के लिए 1,00,000 रुपया। आदरणीय सभापति जी, मैं बड़े आदर से आदरणीय वित्त मंत्री जी को भी कहूंगा और आपके माध्यम से ये कहूंगा कि इसे बदलने की आवश्यकता है, नहीं तो इस देश का किसान औने पौने दामों पर फसल बेचता रहेगा और आत्महत्या करता रहेगा। सर, आदरणीय सभापति जी, पीएम फसल बीमा योजना जिसकी चर्चा यहां की जाती है, वो भी अब प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी मुनाफा योजना बन गई। मैं ये क्यों कह रहा हूं, मैं बहुत जिम्मेवारी से ये कह रहा हूं, इस सदन में 23 जुलाई 2022 को सरकार ने जवाब दिया और सरकार के जवाब से यह साबित होता है कि खरीफ 2016 से खरीफ 2022 के बीच बीमा कंपनियों ने, जो फसल बीमा योजना चलाती हैं, 40,000 करोड़ मुनाफा कमाया। ये मैं नहीं कह रहा, ये सरकार ने सदन के पटल पर जवाब दिया। सर, प्रीमियम दिया उन्हें 1,59,132 करोड़ और क्लेम किसान को मिला 1,19,314 करोड़। तो ये फसल बीमा योजना जो है, क्या ये प्राइवेट बीमा कंपनियों के लिए मुनाफा कमाई की योजना है? और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री जी के गृह प्रांत गुजरात सहित अधिकतर राज्यों ने पीएम फसल बीमा योजना से कन्नी काट ली। सभापति जी, देश की सच्चाई ये है कि हम एक तरफ हर साल 6,000 रुपया किसान को देने की दुहाई देते हैं, पर किसान की जेब से 25,000 रुपया प्रति हेक्टेयर हर साल टैक्सेस में निकाल लेते हैं और इसका सबूत है। सभापति जी, आप ये जानते हैं और आपने ट्रैक्टर खुद चलाया है अपने हाथ से, इसलिए मैं आपके संज्ञान में ला रहा हूं, किसान का ईंधन क्या है? डीजल। डीजल पर मई 2014 में एक्साइज ड्यूटी थी 3.46 रुपया प्रति लीटर। लगभग 8 और 9 साल बाद आज एक्साइज ड्यूटी उसी डीजल पर है 15.80 रुपया प्रति लीटर, यानी 357% अधिक। अगर ये हटा लें, अगर इसे 2014 के रेट पर भी ले आए तो 20 रुपया लीटर तो आज ही डीजल कम हो जाएगा। आदरणीय सभापति जी, मैं इस सदन के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि अकेले पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर इस सरकार ने 9 साल में 30,00,000 करोड़ इस देश के लोगों से कमाए।
30 लाख करोड़ रुपया जेब हमारी कटी, मजा आपको आया? जेब इस देश के लोगों की कटी, मजा आपको आया? और खेती पर तो आदरणीय सभापति, जेब कटी विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड, ठीक, आई विड्रॉ सर। आदरणीय सभापति जी, इस आदरणीय सभापति जी, अब तो खेती पर गब्बर सिंह टैक्स लगा दिया, जीएसटी लगा दिया। पहली बार इस देश में खाद पर 5% जीएसटी, किसान के ट्रैक्टर पर 12% जीएसटी, किसान के खेती के उपकरणों पर 12% जीएसटी, किसान के कीटनाशक दवाई पर 18% जीएसटी। आदरणीय सभापति जी, ऐसा क्यों? पहली बार 75 वर्षों में किसान इस टैक्स के दायरे में क्यों? आदरणीय वित्त मंत्री जी, इस पर क्यों दोबारा विचार करने को नहीं मानती? मेरा उनसे विनम्र हाथ जोड़कर यह अनुरोध है। आदरणीय सभापति जी, यही नहीं, किसान की खाद जो फर्टिलाइजर है उसकी कीमतों ने तो किसान की कमर तोड़ दी। डीएपी का बैग 2014 में 1200 रुपए से आज 1350 रुपया थैला हो गया सर, आप जानते हैं। यूरिया कीमत वही, पहले 50 किलो से 5 किलो खाद कम करके 45 किलो का हमारा खाद का कट्टा कर दिया। अब बोलते हैं सल्फर कोटेड करेंगे, अब 10, अब 5 और कर निकाल लिया। कैसी सरकार है जो किसान के खाद के यूरिया के कट्टे से 10 किलो खाद निकाल ले? वो किसान अपनी आजीविका कैसे करेगा? पोटाश सर, साल 2014 में पोटाश के कट्टे का भाव था 450, आज है 850, 400 रुपए का इजाफा हो गया। सुपर खाद थी सर 2014 में 260 रुपया प्रति बैग, आज वो 340 रुपया प्रति बैग है। इस बजट में तो फर्टिलाइजर सब्सिडी का आपने 25,447 करोड़ रुपया काट लिया, यूरिया पर सब्सिडी काट ली 10,147 करोड़। काश सत्ता पक्ष के मेंबर ये देख पाते, बजट को ध्यान से देखते तो पाते किसान की यूरिया का 10,147 करोड़ कम हो गया। और एनपीके, उसके बगैर तो किसान का गुजारा चल ही नहीं सकता, उसमें उसकी सब्सिडी पर 15,300 करोड़ काट लिया। हमारी सब्सिडी काटी जा रही है, 25,000 रुपया प्रति हेक्टेयर किसान की जेब से निकाला जा रहा है। किसान को सम्मान निधि पाने वाले 7,47,00,000 किसान कम हो गए, और आप कहते हैं कि आपने बहुत वाहवाही लूट ली। आदरणीय सभापति जी, बजट में गरीब के साथ और किसान के साथ ये भेदभाव और भावनाओं से खिलवाड़ यहीं खत्म नहीं होता। सर, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की बहुत चर्चा हुई कि देश के, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कल कहा कि हम देश के 80 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलो चावल या गेहूं मुफ्त देते हैं, पर वो शायद बताना भूल गए कि इस देश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लेकर आई थी, जिसका नाम बदलकर अब आपने पीएम गरीब कल्याण योजना रख दिया, यानी नाम बड़े और दर्शन छोटे। सर, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में हर व्यक्ति को 5 किलो अनाज हर महीने देने का प्रावधान है, 3 रुपए प्रति किलो पर चावल और 2 रुपए प्रति किलो पर गेहूं। आज के दिन 75% चावल 25% गेहूं दिया जा रहा है, तो 60 करोड़ लोगों को अगर 5 किलो चावल 3 रुपया प्रति किलो पर दें तो बनते हैं 800 करोड़, और 20 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं 2 रुपए पे दें तो बनते हैं 200 करोड़, तो कुल छूट कितनी दी? 1100 करोड़। और बवंडर ऐसे उठा दिया जैसे देश बदल दिया हो। ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ही गरीब कल्याण योजना है, 1100 करोड़ की छूट देते हैं, 30 लाख करोड़ पेट्रोल डीजल के टैक्स से निकाल लेते हैं और खूब बेंच थपथपाकर वाहवाही कमाते हैं। किस प्रकार का देश है, हम कहां पहुंच गए? सर, इसे कहते हैं गरीब के अधिकार छीनकर मार्केटिंग करना, दिस इज व्हाट दे आर डूइंग बाय पीएम गरीब कल्याण योजना। और सर, खाद्य सुरक्षा की सब्सिडी अगर इस साल के बजट में देखें तो आदरणीय वित्त मंत्री जी और सरकार ने खाद्य सुरक्षा की सब्सिडी का भी 7,082 करोड़ काट लिया। क्यों गरीब के साथ ये अन्याय, क्यों? सवाल सीधा है सर, सरकार एससीबीसी कल्याण की बात तो बहुत करती,
पर असली बात उसके उल्ट है। साल 2023-24 में एससी समाज की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का बजट आपने दिया 6,359 करोड़, पर वो पैसा ही नहीं दिया, दिया 5,400 करोड़, 959 करोड़ काट दिए उनके, गरीबों के। ये एससी समाज के वेलफेयर की बात है। पीएम अजय, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, 2,050 करोड़ के बजट की 23-24 में आपने घोषणा की, दिया कितना, 450 करोड़, 1,600 करोड़ ही उन गरीबों का काट दिया। फ्री कोचिंग फॉर एससी बीसी विद्यार्थियों के लिए 2023-24 में कहा 47 करोड़ देंगे, दिया कितना रिवाइज बजट में, 14,82,00,000, 32 करोड़ उनका काट दिया। ओबीसी और ईबीसी के लिए श्रेयास योजना लेकर आए, 2023-24 में आदरणीय वित्त मंत्री जी ने बजट में घोषणा की 150 करोड़, दिया कितना, 80 करोड़, 70 करोड़ उनका भी काट डाला। डीएनटी ट्राइब्स के उत्थान की स्कीम में 2023-24 के बजट में आपने घोषणा की 40 करोड़, दिया कितना, 15 करोड़, 25 करोड़ उसका भी काट दिया। मैला ढोने वाले सफाई कर्मचारियों के लिए 23-24 और 24-25 में एक फूटी कौड़ी आपने नहीं दी, उल्टा आपने कहा नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन सिस्टम नमस्ते लेकर आएंगे। 23-24 में बजट में घोषणा कर दी 98 करोड़, दिया कितना, रिवाइज एस्टीमेट से पता चला 30 करोड़, 68 करोड़ उनके भी काट दिए। और अब तो सर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन का बजट भी पिछले साल के मुकाबले इस साल 10 करोड़ काट दिया। क्या ये आपका एससी और बीसी के साथ न्याय है? इस बात का फैसला भी करना पड़ेगा। और सर मैं 4 लाइन कह के मेरी बात समाप्त करूंगा क्योंकि मेरा समय पूरा हो गया, और ये मेरे साथी ने, इसने नहीं, कभी कभी हमारे जैसे किसान भी 4 लाइन लिख लेते हैं। घोर अंधियारे की स्याही में अब सूरज का आगाज नजर नहीं आता, तेरा अहंकारी आकार तो नजर आता है, तेरा इंसानी किरदार नजर नहीं आता। भूखे पेट खाली जेब महंगी जिंदगी अब तेरी पहचान है, भूखे पेट खाली जेब महंगी जिंदगी अब तेरी पहचान है, बेरोजगार जवानी के टूटते अरमानों का सबब तेरे नाम है, खाली सिलेंडर वाली गरीब माँ की आह न लग जाए तुमको, खाली सिलेंडर वाली गरीब माँ की आह न लग जाए तुमको, हाथों में छाले लिए मजदूर की बद्दुआ न लग जाए तुमको, क्या सैकड़ों किलोमीटर पैदल गांव लौटते आदमी के मन की चित्कार सुनी है तुमने, क्या अपने बच्चों की हजारों लाशों से अटी गंगा मैया की पुकार सुनी है तुमने। सर 30 सेकंड, आई एम कंक्लूडिंग, नो प्लीज, क्या कभी सुनी है, सर 30 सेकंड, क्या कभी सुनी है घर में आटे के खाली डिब्बे की खनखनाहट, क्या सुनी है महंगी रोटी और सस्ती जिंदगी की चिल्लाहट, उठो अहंकार की अट्टालिकाओं से बाहर तो आओ, सिसकती जिंदगी के दर्द को जान तो जाओ, अगर जान लोगे महसूस करोगे तो पाओगे कि तुम्हें कराते हुए हिंदुस्तान की आवाज सुना।